2014 को पहले देश की हर युवाओं को इस वर्तमान सरकार ने एक सपना दिखाया था कि अगर सत्ता में वापसी आएंगे तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए वचन दिए हुए सरकार आज इसी वर्तमान सरकार के कार्यकाल 8 साल पूरा हो चुकी है। इस 8 साल के कार्यकाल में बहुत लोग की रोजगार चल गई है। अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने तो इस कोरोना काल में पीड़ित हुई बेरोजगारी नौजवानों और इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पीड़ित हुई नौजवानों की सफलता के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में एक नारा लगाई थी कि लड़की हो लड़ सकती हो। और इस वर्तमान सरकार में विधायक लोग सांसद लोग ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, अपमान किया और भी आज भी एक भी परिवार में इंसाफ नहीं मिला। अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाले। तो यहाँ पे ना प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है और जो इश्यूज के बारे में डिटेल बात होनी चाहिए उस पर कम बातचीत होती है। मे भी आप नहीं सुने होंगे, कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव के अपने मैनिफेस्टो में एक योजना के बारे में बात कर रही थी, न्याय योजना। न्याय में हम क्या कह रहे हैं कि हम जॉब क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट करेंगे उस पॉलिसी को बदल करके जो पॉलिसी आजकल चल रही है, सोशलाइजेशन ऑफ लॉस और प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सोशलाइजेशन ऑफ लॉस क्या है? जब पैकेज देने का बात होगा हमारे आपके टैक्स के पैसे से तो बड़े पूंजीपति को दिया जाएगा, बिग कॉरपोरेट को, और उनका जो प्रॉफिट होगा वो उनका पर्सनल होगा। अभी आप कोरोना के दौरान देख लीजिए, लोगों का इनकम घट गया, अंबानी अदानी का इनकम बढ़ गया। तो ये जो डबल ए वेरिएंट है ये एक्चुअली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है और जो इस देश का मिडिल क्लास है उस मिडिल क्लास को ये परेशान कर रहा है, प्लस जो लोग गरीब हैं उनको और गरीब बना रहा है। इस पॉलिसी को बदलने की जरूरत है। किसी एक को, वैसे मान लीजिए इस हॉल में हम सब बैठे हुए हैं, यहां पे मान लीजिए हम लोग 500 लोग हैं, हमारे पास 500 बनाना है, क्या होना चाहिए कि सबको एक एक दे दें? थोड़ी थोड़ी भूख सबकी मरेगी। अभी जो सरकार की पॉलिसी वो ये है कि वो 500 बनाना 2 लोगों को दे देंगे और 498 जो लोग हैं उनको छोड़ देंगे। हमारा ये कहना है कि सरकार जो पैकेज देती है, जो हेल्प देती है, वो आप स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उससे क्या होगा कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्रिएट होगी, जो वैकेंसीज हैं उस वैकेंसीज को भरेंगे। जैसे आप जान लीजिए कि जो प्रॉमिस किया था सरकार ने कि 7.5 लाख जॉब दे सकते हैं, एक्चुअली मणिपुर में वो दे सकते थे। जितना डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट की वैकेंसी को अगर फुलफिल किया जाए तो लाखों जॉब तो उसी से आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को ले रहे हैं, आप परमानेंट पे लोगों को लीजिए। तो पैसे का जो है सही तरीके से, बजट का जो है सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना। दूसरा, अगर हम किसी को जॉब नहीं दे पाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी के चलते ह्यूमन लेबर की जरूरत में कमी आई है, ये सच बात है। हम अनइंप्लॉयड यूथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही है न्याय योजना। इसके द्वारा हम अनइंप्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा कि महिलाओं को लेकर के क्या करेंगे, देखिए ये शुरुआत है। महिलाएं समाज की आधी आबादी है, 50% पॉपुलेशन है एटलीस्ट उनका। उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को आप इंश्योर कीजिए
वो अपने सोशल एम्पावरमेंट को अपने आप गेन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की आपके डिस्ट्रिक्ट की एसपी बन गई है, उसको छेड़ने का हिम्मत करेंगे आप? उसके साथ ईव टीजिंग करेंगे आप? पकड़ करके जेल में डाल देगी। किसी भी सेक्शन को जब तक आप सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इम्पावर नहीं करेंगे, तब तक सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं आ सकती है। और पॉलिटिकली इम्पावर करने का जो प्रोसेस है, इकोनॉमिकली और सोशली तो वो हो ही रहे हैं अपने प्रोसेस में। आपको आपको भी जान करके आश्चर्य होगा, बाहर में तो लोग मैरी कॉम के नाम से ही जान रहे हैं, चानूबाई के नाम से ही जान रहे हैं। वो आकर के तो नहीं देखे हैं, लेकिन उनको लगता है कि वहां जो है महिलाएं बड़ी इंपावर्ड हैं। तो अगर उनको विमेन रिप्रेजेंटेशन यहां भी इंश्योर किया जाए, उनका पॉलिटिकल पावर मिले, तो उनके खिलाफ जो होने वाले क्राइम है वो कम होंगे। और जो क्रिमिनल हैं, ये बात आप जान लीजिए, हम बीजेपी की तरह किसी भी रेपिस्ट को जेड प्लस सिक्योरिटी नहीं देंगे, उनको जेल में डालेंगे। हियर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सीपीआई टू आईएनसी, व्हाट इंस्पायर्ड यू? फ्रॉम सीपीआई टू आईएनसी, व्हाट इंस्पायर्ड यू? वन, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, but the second question is, there are for about 5,000 political parties in India. The ideological battle against the BJP has been very clear in all the aspects, starting from the intolerance, starting from secularism and everything. So I call myself TMC, APP, JDU as BJP A, B and C. What would be your feedback and what would be your throwback to the youth of Manipur up for the upcoming election? Thank you. First of all, when I came here and we have started the interaction, there was some disclaimer by me. So your second question is exactly related to that disclaimer, that I am not here to say anything what you have to do. I am here to share our pain. Then you have to think and you have to decide as a citizen of Manipur. It is your fundamental duty, it is your fundamental right also. So, see, I don't like such kind of hierarchical relationship. So, I will not say what youth of Manipur should do and what they have to. They have to think. I am here that you must speak it out. Which kind of problems you have been facing in these days? Unemployment, it is the biggest issue. If this government is not able to provide the job, there must be accountability. And who will decide the accountability? The citizen of Manipur will decide the accountability. It is the responsibility of people of Manipur to fix the accountability of the failure of this government. So, on second thing, you must decide, you must interact, you must talk to the people, you must go to your booth, you must talk to your local people, local friends, relatives. And the first question you have asked is, what has inspired me? First of all, you can see what is happening in Manipur. Congress, CPI, CPM, Forward Bloc, RSP, we all are in same alliance. So you can understand it easily here. This question is quite difficult in other part of the country, but it is very easy to understand here. Hum log yahan Manipur mein kisse lar rahe hain? Hum log Manipur mein mafia se lar rahe hain. जिसका काम है मणिपुर के पावर को ग्रैब करना और मणिपुर से सिर्फ मनी निकालना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्शन को क्या बना दिए हैं? इलेक्शन को वो पूरी तरह से मनी का गेम बना दिए हैं। अगर इलेक्शन पूरी तरीके से मनी का गेम हो जाएगा और वो एक डोमिनेंट कल्चर होगा,
वो एक हेजमनिक फोर्स होगा तो मजबूरी में सारी पॉलिटिकल पार्टी को भी क्या करना पड़ेगा, उसी रास्ते पे चलेंगे तो फिर फंडामेंटल राइट कैसे प्रोटेक्ट होगा, लोगों के जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स कैसे बनेगा। इसीलिए मुझे एक ही चीज इंस्पायर करती है जिसकी वजह से आज मैं आईएनसी में हूं, और मैं आपको याद दिला दूं ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट भी ऐसा ही सिचुएशन था कि सारे तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग जो इस देश से प्यार करते थे वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। और अभी कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको बता देता हूं, नेताजी के साथ गांधी जी की एक फंडामेंटल बहस हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस फेवर में थे कि हिटलर से हेल्प लेना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि हिटलर जो है वो ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा खतरनाक है। और 1945 में हमने क्या देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों ने उनकी जान चली गई। और गांधी हिटलर को चिट्ठी लिखे और गांधी ने कहा कि प्लीज स्टॉप द वॉर, यू कैन ओनली स्टॉप द वॉर। अभी भी एक वॉर का सिचुएशन है ना, ऑनेस्टली मुझे बताइए कोई है जो इस वॉर को रोक सकता है तो वो है पुतिन, दूसरा कोई नहीं है। हमारी मीडिया चाहे जितना भी म्यूजिक बजा ले, मोदी जी के हाथ में नहीं है कि वो वॉर रोक देंगे। इस वॉर को अगर कोई रोक सकता है तो वो पुतिन है। लेकिन पावरफुल लोग कहते हैं ना कि पावर, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के अगर ग्रेट पावर हाथ में आए तो इसका डेंजर रहता है कि वो ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा बन जाए। तो जो लोग ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, जो लोग इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, जो इस कंट्री से प्यार करते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद सब एक ही पार्टी के जो है पार्ट थे। क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन यह है कि देश अगर बचेगा तो फिर देख लेंगे कि कौन क्या बनेगा, पहले उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और इसीलिए मुझे जो एक चीज सबसे ज्यादा कांग्रेस के बारे में इंस्पायर करती है कि कांग्रेस जो है वो ना बिल्कुल पानी की तरह है, पानी की तरह होता है। इसमें आप जिस तरह के लोग लाएंगे इसका स्वरूप रूप और रंग वैसा होगा। आप मुझे बताइए, वैसे तो कांग्रेस को जो है एओ ह्यूम ने एस्टेब्लिश किया, ये एओ ह्यूम की पार्टी है क्या? आज ये हमारी और आपकी पार्टी है। और आप उस पूरे के पूरे जर्नी को देखिए, एओ ह्यूम के बाद दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिर गांधी, नेहरू, नेहरू के बाद पोस्ट फ्रीडम। और हमने क्या देखा कि कांग्रेस जब भी कमजोर होती है इस देश के अंदर जो फंडामेंटल चीज है डेमोक्रेसी, उसके ऊपर एक अटैक बढ़ता है। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मल्टीकल्चरलिज्म में बिलीव करती है, जो सेकुलर अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करती है। और सबसे फंडामेंटल चीज क्या है कि जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है ना, वही समझती है कि आजादी का क्या महत्व होता है, फ्रीडम का क्या महत्व होता है। और नेहरू जी जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम में बिलीव करते थे, अपने ओपोजिशन को पकड़ पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए थे। अपने ओपोजिशन को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिए होते तो वह भी पुतिन हो जाते या वो भी सी जिनपिंग हो जाते, जो आज का हमारा रिजीम करने का कोशिश कर रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, लीडर जो है ना वो लार्जर देन लाइफ बनता जा रहा है, और वो लोगों के फंडामेंटल राइट को कंट्रोल करके डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और कांग्रेस में वो कैपेबिलिटी है कि वो सोसाइटी के सभी लोगों को, मोदी जी की तरह झूठा नहीं, सबका साथ, एक्चुअली सबका साथ लेकर के सबका विकास और जो है लोगों का वो विश्वास हासिल कर सकती है कि अगर कांग्रेस रहेगी ना तो लोग मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, चर्च भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा भी जा सकते हैं, और जिसको कहीं नहीं जाने का मन है ना तो आराम से घर में बैठ करके नेटफ्लिक्स भी देख सकता है। ये जो बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, स्टेट और सिटीजन का जो रिलेशन है,
उसको समझने वाली पार्टी है ये, और ये सबको साथ लेकर के चल सकती है। इसीलिए तो जो हमारा है अलायंस है, उसमें सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है, और ये प्रोग्रेसिव और सेकुलर अलायंस है, यही चीज हमको इंस्पायर करती है। थैंक यू वेरी मच।